लेकिन इसका तो जवाब देंगे जब बिल्कुल जवाब देंगे की सरकार थी देश में सबसे महंगा बेच रहे। बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ केंद्र जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा था, सरकार चलाने के लिए राजस्थान चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आए? जीएसटी पैसा रिलीज नहीं कर रहे थे क्योंकि इनको कम कर देते, आपके पास में तो हिस्सा था, हिस्सा था। तो मैं आपको कह रहा हूँ शासन और प्रशासन चलाने के लिए फंड तो चाहिए, कहाँ से फंड आए बताओ? ये सबसे बड़ा आबकारी और पेट्रोल डीजल सबसे रेवेन्यू इकट्ठा करने के पहले साधन होते हैं, इनसे रेवेन्यू सरकार को मिलता है। और आज कौन सा इन्होंने, ये तो कह रहे थे हरियाणा पंजाब के बराबर करेंगे, फिर किया तो नहीं लोगों ने, क्या वो भी एक जुमला था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ अभी जो हालात इन है, तो अब इन्होंने कच्चे तेल जो सस्ता है इन्होंने सस्ता करना चाहिए था ना। सिलेंडर की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार में थी 76 लाख लोगों को सिलेंडर दिया गया था, बीजेपी अब आने बाद 72 लाख 83 हजार को दे रहे हैं, 5 लाख आवेदन उसमें पेंडिंग है, आप नोट कर लेना। और चिरंजीवी योजना को बंद करके इन्होंने आयुष्मान कार्ड लेके जिसमें 36 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में पात्र हैं और 3 करोड़ 45 लाख के कार्ड बने जिसमें 1.5 करोड़ खाली यूपी के हैं। तो आप कौन सी योजना, उसकी योजना को बंद करने ढाईगुना एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटलों की ओपीडी बढ़ गई, कभी किसी महिला का पर्स हॉस्पिटल के ऊपर गेट के ऊपर हो जाता है, कभी सचिन शर्मा की जांच उसमें कार्रवाई कोई हुई है तो बता दीजिए, खाली हिदायत दे दी इन लोगों ने। ये मुद्दा दूसरा हो गया, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की बात करें, आपने कहा कि साहब अब सरकार बदल गई है, कम से कम इनको अपने वादे पूरे कर लेने चाहिए, बिल्कुल कर लेने चाहिए। लेकिन आपने जिस रीजन का यहां पर जिक्र किया कि बजट तो उतना ही था, पैसा तो उतना ही था और जनता भी उतनी है, तो जब उस समय पिछली गवर्नमेंट को उस समय पैसों की जरूरत पड़ रही थी और वो कम नहीं कर पाए, तो आप इस गवर्नमेंट से कैसे उम्मीद करते हैं? फिर कुछ तो बदला हुआ होगा, इनकी सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने वादा किया था, हम नहीं कह रहे, इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम बराबर कहेंगे, ये मोदी की गारंटी, वो गारंटी है कहां एक जगह तो बता दीजिए, उन गारंटियों क्या हुआ? जो गारंटी इन्होंने कहा था कि हम किसानों की गेहूं खरीदेंगे, क्या हुआ उस गेहूं का वादा? अभी गेहूं निकल रही है, गेहूं की फसल 2400 रुपए खरीद रहे हैं, और क्या हुआ उस वादे का? जो सरसों की 7000 बिक रही थी उसको आज किसानों की 4500 बिक रही, किसानों के साथ तो कुठाराघात किया, तो बीजेपी ने किया है कि बीजेपी यहां बीजेपी के पहले सुंदर आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है भीमराव जी, नम्रता जी आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस का कहना है कि हम तो कर्जे में थे तो इस समय हम पेट्रोल डीजल नहीं घटा सकते थे, आपसे उम्मीद है आप घटा दें। कर्ज में नहीं, हमें खर्च चलाने के लिए चाहिए, खर्च चलाने के लिए चाहिए था, तो उस समय बजट तो वही था, पब्लिक भी वही थी, लेकिन नहीं घटा पाए, लेकिन आपने वादा किया था, तो आपकी तरफ से क्या उम्मीद है? कांग्रेस की सरकार का बड़ा कर्जा हमें एक तोहफे में दिया गया है, उस तोहफे को स्वीकार करते हुए भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल में कमी कर रहे हैं, प्रत्येक जनता की आय में वृद्धि की कोशिश की जा रही है कि हम किस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएं, किस तरह से किसानों का भला करें, किस तरह से, क्योंकि हमें मुफ्त खोरी की आदत नहीं है, मुफ्त खोरी देने की आदत नहीं लगानी, हमें कार्य कर क्षमता बढ़ानी है कि प्रति व्यक्ति कार्य कर सके। मुफ्तखोरी की आदत जो कांग्रेस ने और इंडी पार्टी ने दी है ना भारत को, ये दीमक की तरह भारत को खोखला कर रही है। तो मुफ्त में रेवड़ियां नहीं, मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का विजन नहीं है, पर पब्लिक के लिए कुछ करना चाहेंगे जी, पब्लिक को कोई फैसिलिटी दे, मुफ्त में रेवड़ी होती है। 14,56,000 करोड़ माफ किए थे, वो मुफ्त में रेवड़ियां नहीं थी क्या आप लोगों की? आप इसी जयपुर एयरपोर्ट का पता लेकर जीएसटी माफ कर रहे हो, वो रेवड़ियां नहीं है क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, नर्मदा जी नोट कर रहे ना, 33% आता था टोटल टैक्स का, उसको 25% कर दिया, वो रेवड़ियां नहीं थी क्या? जब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप नोट कर रहे हैं नर्मदा जी, 10,000 करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ में रामदेव मामानी को बेचा गया, वो क्या था? रुचि सोया को 3600 करोड़ का लोन राइट ऑफ करके उसको मामानी को बेचा गया, वो रेवड़ियां नहीं थी क्या? कौन सी रेवड़ियों की बात कर रहे हो? संवैधानिक संस्था एक एक करके आप बेच रहे हो, वो रेवड़ियां नहीं है क्या? किस तरह की बात कर रहे हो आप? किस तरह के लोन, एक बात बताइए, गुजराती लोन लेके भाग रहे हो, रेवड़ियां नहीं है क्या? कौन सी जनता को फायदा दे तो इनको रेवड़ियां नजर आती है, ये पूंजीपतियों को माफ करे, 14.56 लाख करोड़ का वो रेवड़ियां नहीं होती, आप दोगलापन तो कम कीजिए। चलिए ठीक है, इस रेवड़ी